यो आकाशवाणी जम्मू है, अमीर अंजम ते खबर सुनो। वादी कश्मीर का बारामूला जिला में हुआ एक दहशतगर्द हमला में एक कौंसलर ते एक पुलिस एहलकार हलाक हो गया। इंतजामिया कौंसल ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की सदारत में 7 नवा ट्रैकिंग रस्ता ना मंजूरी दी। श्री अमरनाथ जी यात्रा बारे बालताल और चंदनवाड़ी रस्ता का सिलसिला में अंदराजी कार्रवाई यकम अप्रैल 2021 से शुरू हो रही है। तिरंगा को त्यौहार होली आज मुल्क भर में मनाया जा रहे हो है। खबरों की तफसील नाल पहला जावेद चौधरी। वादी कश्मीर का बारामूला जिला में आज हुआ एक दहशतगर्द हमला में एक कौंसलर ते एक पुलिस अहलकार हलाक हो गया। आज कश्मीर विजय कुमार के मुताबिक एक कौंसलर रियाज अहमद ते पुलिस अहलकार शफकत अहमद सोपुर में दहशतगर्द हमला में हलाक हो गया। इस हमला में एक होर कौंसलर शमशुद्दीन पीर नाल संजीदा जख्म आया है। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आज सोपुर मिलीटेंट हमला ना एक शर्मनाक अमल करा दिता वा हमला की सख्त मजम्मत की है। अपना एक बयान में जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने मिलीटेंट हमला की सख्त मजम्मत की है, जिसमें म्युनिसिपल कौंसलर ते पुलिस को एसपीओ शहीद हो गया। JKPCC ने मुतासर कुंभा नाल दिली हमदर्दी जाहिर की है, नाले शहीदों की रूह ना सवाब की दुआ की। जिला कपवाड़ा में करनागा दनी इलाका में पुलिस ते फौज ने कुछ गोली सिको बरामद की है। यो इलाको पाकिस्तानी फौजी चौकियों की नजर में आए। इस सिलसिला में पुलिस का एक तर्जमा ने कहा जे मजकूरा इलाका ते बरामद किया गया गोली सिक्का में 5 AK राइफल्स, 6 AK मैगजीन, 7 पिस्तौल ते 9 पिस्तौल मैगजीन शामिल हैं। उन्होंने कहा है जे इस सिलसिला में एक मामला दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी गई है। वाजिर है जे फौज ने अपना बयान में कहा है जे पिछला 2 बरां में करना इलाका ते कुल 16 हथियार ते 50 किलोग्राम ते मती नशीली दवाई बरामद की गई है। वादी कश्मीर का अनंतनाग जिला में गई शाम 2 आम शहरी उस वेले जख्मी हो गया जब मशकूक मिलीटेंटा ने बिजबिहारा का संगम इलाका में CRPF का बंकर वर एक हाथ गोलो सटियो। सरकारी जरिया ने दस्यो है जे मशकूक मिलीटेंटा ने CRPF की 96 बटालियन का बंकर वर एक हाथ गोलो सटियो, जिसका नतीजा में 2 आम शहरी जख्मी हो गया। जख्मी अफराद ना सब जिला अस्पताल बिजबिहारा में इलाज वास्ते टोरियो गयो है। जम्मू कश्मीर में माहौल दोस्त सियाहत ना बहादुर देन की खातर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की सरबराई में हुई एक मीटिंग में 7 नवा ट्रैकिंग रस्ता ना मंजूरी दी गई है। इस फैसला की रूह नाल जम्मू कश्मीर में नती आरामगाहों वास्ते ऑनलाइन बुकिंग हो सकेगी। इस जिमन में यह सहूलत 1 मई 2021 से शुरू होगी। श्री अमरनाथ जी यात्रा का सिलसिला में अंदराजी कार्रवाई 1 अप्रैल 2021 से शुरू हो रही है। इस सिलसिला में बालताल ते चंदनवारी रस्ता ते यात्रा करने वास्ते मुल्क भर में मखसूस बैंक शाखा में अंदराज कियो जाएगो। यात्रा 28 जून ते शुरू होगी। इस सिलसिला में अंदराज करने वास्ते रहनमा खतूत श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की वैबसाइट www.shriamarnathjishrine.com पर दस्तियाब है। इस जिमन में 15 मार्च 2021 ते बाद मुतलका रियासती या UT इंतजामिया की तरफों जारी किया गया सेहत बारे सर्टिफिकेट काबिले कबूल वेगा। वाजिर है जे इस साल मजकूरा यात्रा 56 रोज़ा वहगी, जेड़ी जे 22 अगस्त रखड़ी गए रोज़ अख्ताम पजीर वहगी। इस जिमन में सरकार ने सलामती की खगा मुनासिब इंतजाम के नाल नाल शफाफ यात्रा वास्ते तमाम जरूरी इंतजाम किए हैं। ये खबर तम आकाशवाणी जम्मू दे सुन रहे हैं। खबरों का बाकी हिस्सा नाल अमीन अंजुम। रंगों को त्यौहार होली आज मुल्क भर में मनाया जा रही है। यो त्यौहार मौसम बहार की आमद की अलामत है। होली को त्यौहार अच्छाई की बुराई पर जीत की भी अलामत है। तय त्यौहार बिला इम्तियाज नस्ल रंग उम्र और जिन्स समाज का तमाम तबका ना बरोबरी तय भाईचारा को पैगाम दे है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने होली का मौका पर कौम ना मुबारकबाद पेश की है। अपना एक पैगाम में जनाब कोविंद ने कहा है जी होली को त्यौहार समाजी इतफाक को त्यौहार है, जो जी खुशी ते उम्मीद नाल मनाया जाए। उन्होंने मजीद कहा है जी यो त्यौहार समाजी इतिहाद ते भाईचारा को पैगाम दे है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी होली का मौका पर कौम ना मुबारकबाद पेश की है। वजीर आजम ने उम्मीद जाहिर की है जी यो त्यौहार हर एकन की जिंदगी में खुशी ते ताकत भरेगो। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने होली का मौका पर लोगों ना दिली मुबारकबाद पेश की है। अपना एक मुबारकबादी पैगाम में LG मौसूफ ने कहा है जो त्यौहार एक
बाहरी त्यौहार है ते मारी सकाफत को भी एक लाजमी हिस्सों है। उन्होंने कहा जी यो मुबारक मौको प्यार मोहब्बत दोस्ती ते भाईचारो लिया है। एल जी मौसूफ ने प्रार्थना की है जी यो त्यौहार लोगों में इतफाक की रूह पैदा करे नाले हर एक की जिंदगी में खुशहाली लियावे। पुलिस की बचाव टीम ते समाजी कारकुनों ने दरियाई चिनाब ते कल एक होर लाश बरामद की। मारा डोडा वाला नुमाइंदा फयाज पामपुरी ने रिपोर्ट हो रही है जी कल पेश आया सड़क हादसा में एक शख्स लापता हो गया थो ते इस तरह इस सिलसिला में मनन आलों की तादाद दो तक पहुंच गई जबकि हादसा में एक कालसरी जख्मी भी हुई थी। काबिले जिक्र है जी पुल डोडा के नज़दीक एक सड़क हादसों पेश आयो थो ते एक कार जिसमें ये त्रय अफराद सफर कर रहा था सड़क ने खिसक गया दरियाए चनाब में जा पई थी। हादसा में एक शख्स मौका पर ही हलाक हो गयो जबकि दूजो शख्स लापता हो गयो थो। इस जिमन में पुलिस ने तलाशी कार्रवाई चलाई ते गई रात एक होर लाश बरामद कर ली। भारत ने कोविड 19 टीकाकारी का सिलसिला में एक अहम कामयाबी हासिल करता हुआ 6 करोड़ ते मता अफराद ना कोविड 19 ते बचाव बारे टीका लाया। दुनिया की सबसे बड़ी टीकाकारी मुहिम जारी रखता हुआ सिर्फ कल के त्याड़े मुल्क में 21,54,000 ते मती खुराक दी गई है। भारत दुनिया में वाहिद ऐसा मुल्क है जिसने सिर्फ 71 तिहाड़ों का थोड़ा जहा अरसा में ही 6,02,69,000 ते मता कोविड टीका लाया। मुल्क ने दुनिया की सबसे बड़ी टीकाकारी मुहिम इस साल जनवरी महीना की 16 तारीख से शुरू की थी ते इस तरह सबसे पहला तिबी कारकुनों का टीका लाया गया था। इसी तरह 2 फरवरी ना शुरू हुई टीकाकारी मुहिम के तहत अगली सफ में काम करने वाला अफराद ना टीका लाया गया जबकि इस सिलसिला का हालिया मरहला में इस महीना की 1 तारीख ते 60 बरह ते मती उम्र का अफराद और 45 बरह ते मती उम्र का उन अफराद ना टीकाकारी मुहिम के तहत आने गयो जिन्हों ना एक ते मती बीमारी हैं। वजारत सेहत ने जानकारी दी है जे रमा मरहला के तहत सिर्फ 27 तिहाड़ा में तकरीबन 2,75,00,000 बुजुर्ग शहरियों ना टीका लाया गया जिहड़ा जे 60 बरह की उम्र ते बड़ा था। इसी तरह एक ते मती बीमारियों में मुबतला 45 बरह ते मती उम्र का तकरीबन 65,00,000 अफराद ना भी कोविड 19 की खुराक दी गई। जिला रामबन में अज 101 किलोग्राम नशीली दवाई का सिलसिला में 2 अफराद गिरफ्तार किया गया। इस बारे गिरफ्तार किया गया ड्राइवर की शिनाख्त गुलजार मोहम्मद सकना बठिंडा पंजाब के तौर की गई है जबकि उसको मददगार नूर मोहम्मद हिमाचल प्रदेश का चंबा जिला को बसनीक है। दस्योग्य है जी श्रीनगर से आ रहा एक ट्रक ना जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर नाशरी का मुकाम पर रोके गयो ते गड्डी की तलाशी के दौरान मुस्कुरा दवाई बरामद की गई। शुरुआती छानबीन के दौरान सड़क ट्रक ड्राइवर ते उसका मददगार ने तस्लीम की है जे वे या नशीली दवाई गैर कानूनी तरीके नाल ले जाए था। जम्मू कश्मीर सरकार नौजवानों की तरक्की वास्ते 200 करोड़ रुपया खर्च करेगी। इस सिलसिले में की गई शुरुआत नाल नौजवानों की बेहतरी ते उनकी बाज़बादकारी वर तवज्जो मरकूज की जाएगी ते इस तरह जिला नौजवान मरकज भी खोलिया जाएगा। सियासत में एक अहम पेशरफ्त के तहत सजाद लोन की क्यादत आली पीपल्स कॉन्फ्रेंस पार्टी ना आज अहम मजबूती उस वेले मिली जब सियासी लीडर सैयद बशारत बुखारी पीरजादा मंसूर अहमद ते खुर्शीद आलम ने पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर ली। इसके नाली गोजरी में खबरों को यो बुलेटिन खत्म हुआ।